बच्चे घर पे थे जब तब बारिश बंद हो गई थी, हस्बैंड छुट्टी करा दिए थे बच्चों का स्कूल। देखिए अभी जा रहे ये लोग स्कूल, टाइम हो गया 9:15, लेट। कपड़े गीले ना करो, कपड़े सूखे हैं भी नहीं पहनने के लिए। फ्रेंड लोग देखिए ये मुझे छोड़ नहीं, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी क्या होंगे, अच्छे होंगे। आज मौसम कैसा है? बदल। चप्पल कैसा मौसम है जी? बदल पड़ेगा, बदल पड़ेगा। मैं आपको मौसम दिखा रहा हूँ फ्रेंड, अभी रात के बज रहे हैं मतलब सुबह के 3 और हम लोग उठ गए हैं, बदल पड़ने वाला है। ये देखिए मौसम, ओ यार इसमें वाइट आ रहा है फ्रेंड। फाइनली रात सुबह के बाद 8:30 और मौसम इस तरीके का हो रखा है, मतलब चारों तरफ से ना बाहर देखिए अब बारिश हो रही है और ये देखिए एकदम अंधेरा हो रखा है। रौनक तो दिखाई नहीं दे रहा कि रौनक यहाँ पे है कि नहीं है, इस तरीके का मौसम हुआ है। टोपा का साइड कर दो, कहाँ जा रहे हो? तो ये देखिए फ्रेंड और ये देखिए बारिश, कितनी जोरदार बारिश हो रही है, पर नहा नहीं सकते क्योंकि विंटर का टाइम है और विंटर के टाइम में नहाने का मतलब बीमार होना। डस्टबिन कहाँ है मेरा? रौनक झाड़ू अंदर लेके चल बेटा, गीला हो जाएगा झाड़ू लगाने अंदर। तो देख सकते हो आप अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है, ऊपर से मतलब कैमरे में ज्यादा रोशनी कर रहा है, मैं तो ऐसे है नहीं रोशनी कर रहा है, बिजली चमक रही बेटा बाहर बाहर। इसी करके ना आज मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजी हूँ क्योंकि बिजली बहुत तेज से कड़क रही है और बस से जाना बच्चों ने, इसलिए मैं बोली रहने को आज नहीं जाएंगे। आज एक बार फिर से अपना हम लोग बोरिया बिस्तर बांध के चलते हैं, कहाँ कहाँ चलते सोने। नींद मेरा पूरा नहीं हुआ था, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, पर इनको स्कूल भेजना था इसलिए मुझे। हाँ देखो मेरे पास क्या है फ्रेंड, सोने की अंगूठी इसके ससुराल से मिली है, खिलौने से मिली है। और कुछ दिखा रहा ना मियां, और ये देखिए भूत। इतने सारे दहेज में सामान मिले मेरे बेटे को है ना, थोड़े हो गए क्या हो गए? थोड़े हो गए थोड़ा हो गया। और ज्यादा चाहिए? ये लोग खिलौने मतलब चीज लेने जाते हैं ना खाने के लिए, तो खिलौनों वाली लेते ताकि उससे खिलौने हो। कितने सारे ये लोग इकट्ठे किए। चलिए मैं खाना बना रही थी बच्चों के लिए, आटा मैंने लगा के रख लिया था। हाँ जी, चाय बनाना देर काम करने वाला, तो कर ही रही बनाई रही हो। चाय रखिए, सब्जी रखिए बनने के लिए, खाना भी बना रही हूँ मैं। तो गाइस ये देखिए मेरा चाय, ये देखिए मेरी सब्जी। देखिए अभी जा रहे हैं ये लोग स्कूल, टाइम हो गया 9:15, लेट हो गए हैं आज ये लोग। दरअसल आंधी तूफान की वजह से इनका स्कूल जाना कैंसल कर दिया गया था, फिर मैं बोली कोई नहीं तैयार करके भेज देते हैं, बेटा रास्ते में गिर जाएगा। एंड ये देखिए बारिश हो गई स्टार्ट, अभी अभी बच्चे स्कूल गए हैं और बारिश स्टार्ट हो गई, देख लीजिए। तब बच्चे घर पे थे तब बारिश बंद हो गई थी, हस्बैंड छुट्टी करा दिए थे बच्चों का कि स्कूल नहीं भेजना रहने दो, और बस चली गई थी। तो फिर मैं बोली कोई नहीं बाइक से छोड़ के आ जाओ, बाइक से गए वो लोग, बारिश इतनी तेज होने लगी थी, सोच रही क्या होगा वापस आएंगे कि लेके जाएंगे, समझ नहीं आ रहा।
मेरा हाथ तो पहुंच गए होंगे फ्रेंड। अब देखो क्या होता है, बस बच्चे भीगे ना, मेरे छतरी भी लेके नहीं गए हैं। बारिश तेज हो रही है, देखिए तेज से होने लगी बारिश, क्या करें। माता रानी बिजली कड़क रही है। हेलो गाइज, अभी देखिए बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं यहाँ पे लेटी हूँ, तो और चला रही थी। हस्बैंड काम पे चले गए हैं और काम पे गए हैं देखने के लिए कि काम क्या होगा। बारिश बहुत जोरों की हो रही है, काम का कोई पता नहीं है। मौसम अगर आपको दिखाऊं तो मैं ये रहा हमारे घर का मेन डोर, मतलब मेन डोर नहीं है फ्रेंड, मेरे कमरे का डोर है। और बाहर देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अंधेरा है, मतलब रात के टाइम पे जैसे अंधेरा होता है ना उस तरीके का अंधेरा हो रखा है। अगर कमरे की मैं लाइट बंद कर दूँ ना तो इधर से पता ही नहीं लगेगा कि अंधेरा कैसा हो रखा। बैठे बैठे मुझे नींद आ रहा था, भगवान की मर्जी क्या चल रही है आपको बताओ। कभी बारिश हो जा रही है, कभी रुक जा रहे हैं। मौसम अगर आपको दिखाऊं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए कितना अंधेरा है, देख सकते हो आप बाहर देखो। और वो है हमारा बाहर, बाहर में इतना ज्यादा अंधेरा हो रखा है, इतना ज्यादा अंधेरा हो रखा फ्रेंड, जैसे शाम का 6-7 बजता है ना उस तरीके का हो रखा है। पता ही नहीं लग रहा कि दोपहर के 10:30-11 बज रहे हैं, मौसम इस तरीके का हो रखा है, देख सकते हो। हस्बैंड अभी कहाँ गए हैं काम पे सामान के लिए, मैं भी नहीं दिखाई दे रही इधर आके। मैं आपको दिखाती हूँ बारिश कितनी जोरों की हो रही है और मेरे हस्बैंड कहीं फिर से चले गए हैं आके वापस। तो ये देखिए बारिश, कैसी हो रखी है बारिश। कपड़े गीले ना करो, कपड़े सूखे हैं भी नहीं पहनने के लिए मुड़के। ये देखिए फ्रेंड कपड़े गीले करके आ गए, सुबह से 3 बार कपड़े बदल चुके और मौसम ऐसा हो गया है ना कि दिन में ही रात हो गया है। इतना अंधेरा कमरों में कभी भी नहीं होता था, बगैर लाइट के गुजारा नहीं हो रहा। इधर बेडरूम में लाइट है तो ये साफ साफ बंदा दिख रहा है आपको, वरना इस बंदे का मुंह आपको अंधेरे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। देखिए फ्रेंड ये देखिए ध्यान से, सर्दी हुआ है फिर भी चले हैं बारिश में भीगने। कहा गए थे वो सामान भी लेकर रख दिया, वहां पे रख दिए, पैंट गीला कर दिए, पहनना क्या, 4 पैंट गीली हो गई है। ये देखिए गाइस ध्यान से देखिए इस शख्स को, आज धनतेरस है, मुझे कोई शॉपिंग नहीं कराया, ध्यान से देखिए।